हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि की दुनिया। तो फिर से आ गया मेरा एक मेकअप लुक का वीडियो जो कि लॉन्ग वाला है। मैंने सोचा चलो अब बनाती हूँ थोड़ा वीडियो, अब थोड़ा थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँ ताकि आप लोग देखें, आप लोग को अच्छा लगे। आप लोग प्लीज़ बताइएगा आप लोग को किस टाइप का वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, मेकअप वीडियो पसंद आ रहा है, ब्लॉगिंग पसंद आ रहा है, मिनी ब्लॉग पसंद आ रहा है, या आपको स्किन केयर का वीडियो पसंद आ रहा है, कलेक्शन का अगर आपको चाहिए तो आप लोग जरूर बोलेगा, मैं कलेक्शन का वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। तो सबसे पहले मैं एज ए टोनर यूज़ करूँगी गुलाब जेल। जो लोग मेरा पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही होगा एज अ टोनर मैं गुलाब जल यूज़ करती हूँ। आप लोग कोई भी अपना टोनर यूज़ कर सकते हैं। आप टोनर यूज़ नहीं भी करोगे तो फेस को जरूर क्लीन कर लेना, है ना। टोनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप गुलाब जल से ही टोन करो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ प्राइमर मैं यही यूज़ करूँगी जो मैं होममेड बना के रखी हुई हूँ, एलोवेरा जेल और विटामिन ई का, जो कि बहुत अच्छा, पता है आपको ये प्राइमर का भी वर्क करता है। मैंने सच्ची मैं क्या बोलूँ, सही बता रही हूँ, सच में ये बहुत देर तक मेरा मेकअप भी इस पर स्टे करता है, बहुत ज़्यादा केकी टाइप का भी नहीं लगता है, बट बहुत अच्छे से रहता है। जैसे प्राइमर अगर आप लगाते हो तो स्टे का एक रहता है ना कि 3 to 4 hours या 4 to 5 hours आपका स्टे करेगा, ये भी 3 to 4 तक रह जाता है, मैंने इसको ट्राई करके देखा हुआ है। तो आप लोग ना एज ए प्राइमर आप लोग यूज़ कर सकते हैं विटामिन ई और एलोवेरा जेल को बना के आप रख लो स्टोर करके फ्रिज में, और उसको आप यूज़ करते रहो, बहुत अच्छा। एक तो स्किन क्लीन हो जाती है, जितने भी आपके चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं ना वो तो अच्छे से हट जाते हैं। विटामिन ई इतना स्ट्रांग होता है कि मत पूछो, बहुत ही अच्छा है। ये वाला मेकअप लुक बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल सा मैंने किया है। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन जो कि मेरा फेवरेट है। लेकमी का सीसी क्रीम भी मेरा फेवरेट है, बट मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है फाउंडेशन आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसलिए बोलूँगी ताकि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। हाथ से होता है ना, हाथ से अगर आप ब्लेंड करोगे ना तो ना फिंगर का निशान आ जाता है, तो फिर अजीब सा लगने लगता है ना। तो फिर चलिए अब अपने आईब्रो को फिल करते हैं। तो आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यहाँ मिस क्लेरी का ब्राउन शेड जो लिया है, ब्राउन शेड ही, मैं सबको यही बोलूँगी कि ब्राउन शेड ही यूज़ करना, ब्लैक अच्छा नहीं लगता है आईब्रो के साथ, बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है। फिर स्पूली की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको सेट कर लूँगी, फिर मैं आई मेकअप तुरंत फटाफट कर रही हूँ। आप लोग को दिख रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ कि ये लगाया वो लगाया, मैं सिंपल सिंपल सा जल्दी जल्दी फटाफट वाला कर रही हूँ मेकअप। ठीक है, यहाँ गोल्डन और पिंक कलर का मैं दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी। क्रीज लाइन पर मैं पिंक कलर का लगाऊंगी क्योंकि ड्रेस के साथ ना मरून नहीं मेरे को अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो पिंक ही करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहता, आप देख सकते हो। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी आईलाइनर ब्लू हेवन का। आईलाइनर में मैंने क्या किया ना, उसको सेक नहीं किया था मैंने ऊपर से, लेकिन ना वो वॉटरी वॉटरी टाइप का ना मैंने हल्का हल्का वाला लगाया था ताकि बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करे, क्योंकि सिंपल में बहुत सुंदर सा लगे, तो मैंने वही किया था। एज अ ब्लश मैं यहाँ पे पिंक कलर का शेड लिपस्टिक का लगा रही हूँ, ब्लू हेवन का है। ठीक है, आपके पास ब्लश है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास लिपस्टिक है तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं यहाँ ब्लू हेवन का ही लूज पाउडर यूज करूंगी। कॉम्पैक्ट भी आप यूज कर सकते हो, आपके पास कोई भी पाउडर होगा यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेकअप स्टे करेगा। अगर आप प्राइमर अगर लगाए हो या आप एलोवेरा जेल और विटामिन ई का आपने कॉम्बिनेशन लगाया है तो आपका मेकअप बिल्कुल स्टे करेगा, कोई फाउंडेशन वगैरह का ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। आपके पास जो भी क्रीम है आप लगा सकते हो, कोई भी पाउडर है आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी काजल, वो ऊपर मेरा थोड़ा सा हल्का सा लग गया था काजल का, फिर मैं उसको रिमूव कर ली थी, वीडियो कट नहीं कर पाई उसके लिए, सो सॉरी। यहाँ पे मैं कौन सा था, यह एलिटीन का था शायद मेरा, ये आई ड्रामा काजल, हाँ वही लगाया था मैंने। फिर वहाँ पे हल्का हल्का नीचे मैंने आना फिंगर की हेल्प से सेट कर लिया था पाउडर लगा के, ताकि वो फैले नहीं हमारा काजल, है ना। अच्छे से एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है मेकअप प्रोडक्ट वहाँ पे उसको अच्छे से ब्रश से सेट कर लेना है। रेड कलर का मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगाया था। मेरा फाइनल लुक हो गया रेडी, देख लो कितना सिंपल सा है। आपके पास कोई भी ज्वेलरी हो पहन लेना, और भी आपके पास अच्छा अच्छा ज्वेलरी, आप लोग बिल्कुल रेडी हो सकते हो इस मेकअप में, लेकिन ये मेकअप लुक जरूर ट्राई करना। बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।